Hi everyone, welcome to the class. I am Simran Khosla, your chemistry educator from Bansal Academy. And today I am here with an important topic from coordination compounds. But before that, I would like to ask you one question. आपको मैं दो compounds अगर यहाँ पे दूँ, first compound and second compound. और इनमें आपको दो conditions बता दूँ कि जो kind of atoms हैं, इन दोनों compounds में जो आपके पास kind of atoms हैं, यानी कि किस टाइप के एटम्स हैं, मोर ओवर उनका जो नंबर है, काइंड तो हो गया टाइप्स ऑफ एटम्स, और दूसरे नंबर पे आ गया आपके पास नंबर ऑफ एटम्स. ये दोनों चीजें ही हैं जिनके आधार पे हम देख लेते हैं कि दो कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है, पर ये दोनों की दोनों चीजें मैंने आपको सेम दे रखी है. दोनों की दोनों चीजें मैंने आपको सेम दे रखी है. अब आप बताइए कि क्या आपके अकॉर्डिंगली ये फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड सेम होंगे कि नहीं. ये आपको बताना है कि काइंड ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अगर आपके पास सेम है तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड दोनों के दोनों सेम होंगे कि नहीं. देन मोस्ट ऑफ अस विल आंसर दिस माइट बी प्रोबेबली सिमिलर. क्यों? क्योंकि हमने अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, तो डेफिनेटली हमारा आंसर यही होगा कि ये तो सेम है, क्योंकि काइंड से हम देखते हैं, नंबर से देखते हैं, और दोनों के दोनों सेम है तो मतलब ये कंपाउंड भी सेम है. बट द आंसर इज नो. It's not 100% true in all cases because definitely there are so many types of structures available जिसमें आपको दिखता है कि उनमें kind of atoms भी same होते हैं, उनमें number of atoms भी same होते हैं, yet they are very different, yet they are having different properties. So हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी possible structures हैं, उनके बारे में आज हम discuss करेंगे. So any guesses about the topic? Yeah. The topic is basically isomerism. Isomerism in coordination compounds. वैसे तो isomerism नाम जो है वो आपने नाम तो सुना ही होगा, कहाँ सुना होगा, junior classes में, ठीक है. Isomer एक common term है जिसमें हम बात करते हैं कि molecular formula जो है वो same है, जो molecular formula है, chemical formula है, वो same है, but yet they are having different type of arrangements or structures. आइसो का मतलब क्या है? सेम. मर का मतलब क्या है? यूनिट. और इज्म तो हम किसी भी फिनोमिना को बोल देते हैं, तो सेम यूनिट होना, लेकिन उसमें फर्दर आपके पास क्या हो जाना, उसमें फर्दर आपके पास स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाना या स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाना, उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है जी. अब अगर हम देखें इसका एक फ्लो चार्ट कर लेते हैं. आइसोमेरिज्म के केस में आप देखो कि कौन से दो तरीके की आपके पास मेजर मेजर टाइप्स हो सकती हैं. मैं जब अब आपको एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने बोला कि या तो उसका स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस हो सकता है, या मैंने बोला था कि उसका स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है. सो देयर कैन बी टू केसेस, या तो वो जो है स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर स्पेशल अरेंजमेंट वाइज जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं. अगर तो वो स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट हो रहे हैं तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और अगर वो स्पेस यानी कि 3D में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है या स्पेशियल अरेंजमेंट है जिसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा? वो फॉल करेगा स्टीरियो आइसोमर, ठीक है. तो ये हमारे पास बेसिकली दो मेजर टाइप्स होंगी. इनके फर्दर भी हम टाइप्स जो है वो आज डिस्कस करेंगे, और वो टाइप्स क्या क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ. स्ट्रक्चर में तो हमारे पास चार टाइप्स मेन रहने वाली हैं. एक हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है. दूसरी जो है वो हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म. तीसरी पढ़ने वाले हैं सोलवेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. एंड चौथी पढ़ेंगे इसी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. देन अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो तरीके की टाइप्स होती हैं. एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ये बेसिकली छह टाइप्स में पढ़नी है. इनके एग्जांपल्स देखेंगे, इनके डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है. तो ये नॉर्मल हम पढ़ने वाले हैं. तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है क्या. देखो ये लिखा हुआ है, structural isomerism is shown by the coordination compounds which have same, wow, just wait, which has same chemical formula
ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर्स कैसे डिफरेंट है, कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, वैसे तो मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है, अब हम उन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पास केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम है, लेकिन आपके पास डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, पहली हमारे पास टाइप क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन से आयंस का मतलब निकलता है, तो बेसिकली है क्या, अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयोनाइजेबल एनायन, अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयोनाइजेबल एनायन विद एनायनिक लिगेंड। ठीक है, आयोनाइजेबल एनायन, ध्यान रखना कि एनायन का ही एक्सचेंज होना एनायनिक लिगेंड के साथ। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल यहां पे लिखवाऊं तो कोबाल्ट क्या ही कंपाउंड ले लेते हैं, सीओ बी आर एच टू ओ फाइव। ठीक है, और इसके ऊपर एक मिनट, ठीक है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और यहां क्या आ गया, सी एल नेगेटिव। तो आप नोट कर लो कि यहां पे एक कोबाल्ट है, एक ब्रोमीन है, पांच आपके पास जो है वो एच टू ओ जुड़े हुए हैं और बाहर एक एनायनिक लिगेंड है। जैसे कि मैं आपको अभी बता रही थी कि यहां पे क्या है, एक आयनाइजेबल एनायन, आयनाइजेबल एनायन क्या है, सी एल नेगेटिव, और एनायनिक लिगेंड क्या है, बी आर। ठीक है, इनका आपस में रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो है बेसिकली आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसका आयोनाइजेशन आइसोमर होगा जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो CO Cl यहाँ पे आ गया आपके पास H2O5, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, Br नेगेटिव। तो ये आ गया आपके पास कि अराइजेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एनायनिक लिगेंड विद द आयोनाइजेबल एनायन। तो ये दोनों आपके पास क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इवन अगर आप वर्नर थ्योरी आपने पढ़ी भी हुई है तो नॉर्मल भी अगर आपको पता है कि जब आप इसको डिसॉल्व करवाओगे तो Cl नेगेटिव आयन आयनाइज होगा इस वाले केस में, जबकि इस वाले केस में अगर आप देखते हो तो Br नेगेटिव आयनाइज हो रहा है। तो दोनों के दोनों कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम सेम है, काइंड ऑफ एटम सेम है, बट येट दे आर डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है। आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है क्लोरीन ने, लेकिन इधर जो है वो ब्रोमीन ने बना रखा है। तो ये एक डिफरेंस है, ये एक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, सोलवेट जो है वो वर्ड आता है हमारा सोलवेंट से, है ना, कि सोलवेंट से हमारे पास वर्ड आता है सोलवेंट, सोलवेट। और हाइड्रेट कहां से आता है, हाइड्रेट आता है हमारे पास वॉटर से। तो वही हम देखते हैं अभी, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, सच आइसोमर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह आई वुड लाइक अगर आप ऐड कर लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो ज्यादा जनरल टर्म हो जाएगी। ठीक है, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हो गए या वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर उनका नंबर वेरी करता है। कैसे, क्या बोल रही हूं ये भी अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तभी समझ आएगा। जैसे आपके पास एग्जांपल है Cr H2O6 और यहां पे क्या आ गया, Cl3। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है कि अंदर तो जो है वो छह वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन बाहर जो है वो तीन क्लोरीन है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं उसमें क्या कर दूं, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो छह ही है, छह वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो जो है वो सिक्स है। ठीक है, मान लो अगर मैं अंदर फाइव ले आऊं एक और यहां पे एक Cl लगा दू और बाहर क्या है एक वाटर और दो Cl2 लगा दू, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इस केस में आपके पास क्या नजर आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है, मैं इनसाइड लिख देती हूं और एक लिख देती हूं आउटसाइड, तो ये आप चेक कर सकते हैं इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सिक्स, और आउटसाइड द स्फीयर आपके पास कितने हैं, जीरो। यहां पे इनसाइड कितने हैं, फाइव, और आउटसाइड कितने हैं, वन। एक और एग्जांपल लिख लो, वैसे तो बहुत सारी इस पे कर सकते हो, H2O 2 ले लो और यहां पे ले लो Cl 4 और यहां पे आप क्या ले लो, एक मिनट, यहां Cl 4 है ना,
तो बाहर आप ले लो, थ्री थे, सॉरी मैंने गलत कर दिया, वेट, यहाँ पे आप ले लो वाटर के मॉलिक्यूल्स, छह थे ना, तो अब यहाँ पे ले लो आप चार, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो ले लो दो, तो बाहर क्या आया Cl और H2O ट्वाइस। अब देखो टोटल वाटर के मॉलिक्यूल छह हैं, क्लोरीन के तीन हैं, तीन है, तो वाटर जो है वो आपके इनसाइड कितने हैं चार और बाहर कितने हैं दो। तो ये ही मैं कहना चाहती हूँ कि ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है, काइंड ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट। लेकिन किस तरीके से डिफरेंट है, क्या नेम है, उस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन का नेम क्या है, वो है आपके पास सोलवेट आइसोमेरिज्म। नॉट ओनली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार वाटर के मॉलिक्यूल से ही आप जज करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल से जज कर रहे हैं तो उसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल दो, पर जब आप कोई सोलवेट यानी कि आप बात कर रहे हो कि मान लो अगर कोई एमोनिया के मॉलिक्यूल ही हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की चीज है आपके पास, तो उस केस में आप देख सकते हो कि इनसाइड जो है और आउटसाइड इनका अंदर ही आपस में चल रहा है, पहले अगर अंदर छह थे तो बाद में अंदर पांच हो गए, फिर बाद में अंदर चार हो गए, लेकिन ओवरऑल नंबर में फर्क नहीं आया। अगर पहले छह थे बाहर कोई नहीं था, अगर अंदर पांच हुए तो एक बाहर चला गया और बाहर से एक अंदर आ गया, तो बेसिकली ऐसा हो रहा है। समझ पा रहे हो आप कि इनसाइड द कोऑर्डिनेशन अपीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन अपीयर, लिगेंड्स का नंबर आपस में चेंज हो रहा है, लिगेंड्स भी क्या सॉल्वेंट या हाइड्रेट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का चेंज हो रहा है। आई बात समझ? तो ये क्या है आपके पास, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देन चलते हैं आगे वाले टाइप पे, ये है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सिंपल है कि हैव द सेम कॉम्पोजिशन, वो तो मैं बताइए कि सेम कॉम्पोजिशन होगी, बट डिफर इन द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड। ये स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, डिफर इन द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड। देखो यहाँ पे ना जनरली जो लिगेंड होता है वो होता है एम्बीडेंटेड, और आपको पता है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जो कि होते तो मोनोवेलेंट है, मतलब मोनोडेंटेड है, ठीक है, डोनेट एक साइड से ही करते हैं, बट कौन से डोनेट करेंगे वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपके पास NO2 है तो अगर नाइट्रोजन से डोनेशन कर रहा है तो उसका नेम अलग है, और अगर ऑक्सीजन से डोनेशन कर रहा है तो उसका नेम अलग है, ठीक है ना। वैसे ही NCS हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन से डोनेशन कर रहा है तो अलग है, S से डोनेट कर रहा है तो अलग है, पर नंबर ऑफ एटम्स काइंड ऑफ एटम्स तो सेम ही है ना। तो इस केस में ऐसे लिगेंड्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एम्बीडेंटेड होते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल लिख के दूं यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म में ही, ठीक है, तो थायोसाइनेटो हो गया जैसे ये वाला, ठीक है, NCS आपके पास क्या है थायोसाइनेटो, NCS क्या है आपके पास थायोसाइनेटो, ओके, इज इट विजिबल, लेट मी चेक, या इट इज क्वाइट लीजिबल, ठीक है, NCS क्या है थायो साइनेटो, और SCN आपके पास क्या है, SCN आपके पास आइसोथायोसाइनेटो। तो मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ना बॉन्डिंग का बहुत फर्क पड़ता है, एम्बीडेंटेड है कि क्या है वो डिपेंड करता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के केस में ही आपके पास ऐसी चीज राइज हो सकती है, NO2 है तो नाइट्रोजन से भी डोनेशन हो सकती है, ऑक्सीजन से भी हो सकती है। तो इस तरीके के कंपाउंड में अगर आपको देखने को मिले कि पूरे कंपाउंड में एक बार N से डोनेशन हो रही है, अगली बार O से हो रही है, तो वो दोनों कंपाउंड्स में काइंड भी सेम आएगा, नंबर भी सेम आएगा। तो इस तरीके के कंपाउंड्स में आप कौन सा आइसोमेरिज्म बोलोगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर ये फोर्थ टाइप आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, व्हेन देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, आपके पास बेसिकली एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। क्या होता है कि जैसे आपके पास ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है, यानी एनायनिक दे रखा है, अगली बार में भी ये पॉजिटिव कैटायनिक है, ये नेगेटिव है, एनायनिक है, इसके अंदर लिगेंड्स और इसके अंदर लिगेंड्स ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उस केस में आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आएगा। मैं आपको इसको अच्छे से ज्यादा बताने के लिए एक एग्जांपल से ही बताती हूँ ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है। एग्जांपल आप ले सकते हैं CrNH3 6,
CrNH3 6, और उसके बाद कोबाल्ट में आप ले सकते हैं COCN6। दोनों के दोनों ऑक्टा दोनों के दोनों क्या है, ऑक्टाहेड्रल ही है। ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, बट स्टिल वी विल बी सीइंग यहाँ पे CN6। ठीक है, तो अब क्या है, क्रोमियम के साथ CN लग जाएगा अगली बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट के साथ NH3 6 लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, अगर ये पहले वाला कैटायनिक और दूसरे वाला एनायनिक है तो उसमें लिगेंड्स का आपस में इंटरचेंज हुआ है, ये CN NH3 की जगह चला गया, NH3 CN की जगह चला गया। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो देखने को मिलता है कि कैटायनिक और एनायनिक के अंदर अंदर ही लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा होता है। आपके पास इस तरीके के आइसोमर को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, क्योंकि मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन में चेंज आया है। पहले क्रोमियम के साथ NH3 ने कोऑर्डिनेट कर रखा था, अब क्रोमियम के साथ CN ने कोऑर्डिनेट कर रखा है, तो डिफरेंस वहीं पे आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने चार टाइप्स कर ली है, कौन कौन सी, आयनाइजेशन की थी, हाइड्रेट की, लिंकेज की और कोऑर्डिनेशन की। अब हम चलते हैं आगे, ये है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर। हमने अभी तक स्ट्रक्चर में देख लिया कि स्ट्रक्चर में हमारे पास चार टाइप्स है, वो हमने कवर कर ली। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आते हैं। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच है, ओह वाओ, व्हिच है उसके बाद आगे बताओ क्या, व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला आपके पास क्या है, सेम है। वही बात आ गई कि नंबर ऑफ एटम्स, काइंड ऑफ एटम्स सेम है, पर डिफरेंट क्या होगा, क्या होगा डिफरेंट, बताया था मैंने, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि एटम्स का 3D में जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंट होना, उसकी वजह से जो आपके पास अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, अब दो तरीके का होता है, पहले बताया था मैंने दो तरीके का होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक होता है स्टूडेंट्स, ये ना एक हिसाब से खेला खेला जा रहा है, मतलब लिखते लिखते जो ये हो जाता है ना, रियली एनीवेज मन लगा रहता है ऐसी थोड़ी थोड़ी सरप्राइज जब मिलते हैं। एनीवेज, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्या होता है, क्या इसके अंदर टाइप्स हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी। तो ये हमारे पास दो तरीके का आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये देखो, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास ये दो तरीके के कोऑर्डिनेशन नंबर में फाइंड आउट किया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, वही बात है कि स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास तीन टाइप्स हैं जो हमने अभी पढ़नी है, टेट्राहेड्रल, ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया मैंने टेट्राहेड्रल, ये MX2L2 हो गया, क्योंकि चार कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, तो दो सेम तरीके के लिगेंड, दो सेम तरीके के, इसमें चारों डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लिगेंड्स आ गए। फिर ये आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, इसमें आपके पास ऐसे हो गया कि दो एक्स है और चार एल है, इसमें दो एक्स है और दो ए ए है, इसमें तीन ए है और तीन एक्स है। तो ये वाले टाइप्स अभी हम देखेंगे। यहाँ पे ए जो है ना वो बाइडेंटेट है, तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 बनेगा ना, बाइडेंटेट है, तो दो दो चार और ये दो 6, तो ये तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन रहा है। तो अभी हम इनको डिस्कस करते हैं 1 by 1। ठीक है, चलो अब आ गया आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो पहला आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल, तो मेटल सेंटर में है। ठीक है, इसके साथ मान लो आपने लगा दिया ए, ये लगा दिया बी, ये लगा दिया सी और ये लगा दिया डी। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको मैं डैश्ड फॉर्म से कर देती हूँ थोड़ा सा ज्यादा सही करने के लिए। देखो क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो ना नॉर्मल है, आप देखो कि टेट्राहेड्रल में चारों की चारों पोजीशन सिमिलर है, क्योंकि एंगल ही सेम है टेट्राहेड्रल का, कितना होता है 109 degrees 28 minutes, यही होता है ना, तो एंगल सेम है। ए की जगह हमने देखना है पॉसिबल अरेंजमेंट, ए की जगह अगर डी चला जाए, डी की जगह अगर सी चला जाए, मतलब ऐसे से अगर शिफ्टिंग हो भी जाए तो स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगी, क्योंकि सारे ही स्पेस में एक ही एंगल पे 109 degree 109 degree के एंगल पे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कौन से वाला आ रहा है। तो इसलिए टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नो जीआई, यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही नहीं। MX2L2 के केस में क्या है, यहाँ पे देखो कि मेटल है, ठीक है। अब दो ऑप्शंस हो सकती है, या तो दोनों के दोनों एक्स एक साइड हो, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर का केस आ गया, या तो दोनों के दोनों एक्स जो है वो एक साइड पे है, यानी 90 डिग्री पे है। तो एक साइड पे है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिस, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि ये जो दो आपको एक्स नजर आ रहे हैं ये 180 डिग्री पे है, तो उस केस में आप इसको क्या बोलोगे, ट्रांस। अगर तो 90 डिग्री के एंगल पे है तो आप इसको क्या बोलोगे, सिस, और अगर 180 डिग्री पे है तो आप इसको क्या बोलोगे, ट्रांस। तो ये दो ऑप्शंस हो गई। तो यानी MX2L2 के केस में आपको जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं, वो कितने हैं, दो हैं, ठीक है। फिर आ गया MABXL। अब इसमें देखो जरा, ये देखो जरा, एम है, ठीक है, यहां पे ना अब आपने ए लगा दिया। अब ABXL यहाँ पे सारे के सारे 90 डिग्री पे हैं, बट स्टिल आपको शायद ये वाला केस और ये वाला केस सेम लगे, आपको लगे कि सारे के सारे तो 90 डिग्री पे हैं, तो फिर क्या फर्क हुआ। पर स्टूडेंट्स ये वाला केस ध्यान से समझने वाला है, ठीक है। मेरे को एक बार चेक करने दो कि कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो वीडियो में। आई थिंक यस, एवरीथिंग इज गुड एंड कूल। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जैसे टेट्राहेड्रल है ना, आपको ये लग रहा होगा कि चारों के चारों पोजीशंस हैं, तो ये तो चारों के चारों पोजीशन सेम है, तो स्क्वायर प्लेनर में भी तो यही हो गया ना, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान रखो, मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो ए के 180 डिग्री में एक्स दिख रहा है, ऐसे ही है ना, डिफरेंट आएंगे स्ट्रक्चर, तभी बोल रही हो। ए के 180 डिग्री में आपको एक्स नजर आ रहा है। अब अगली स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, मैं नहीं बोलूंगी, बस सिर्फ बना के दिखाऊंगी, आपको समझ आएगा अपने आप। अब ऐसे कर देते हैं, चलो देखो, यहां पे ए के 180 डिग्री पे एक्स था, यहां पे ए के 180 डिग्री पे क्या है, बी है, ठीक है। तो डिफरेंट हो गया ना, ट्रांस में तो पोजीशन डिफरेंट आ गई, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या यहां पे कोई और केस पॉसिबल है, तो है। यहां पे ए ले लो और यहां पे आप ले लो एल, यहां पे क्या है बी और यहां पे क्या है एक्स। तो अब देखो ध्यान से, 180 डिग्री पे आपको कौन सा मिल रहा है, एल मिल रहा है, तो ए के कोरिस्पोंडिंग 180 डिग्री पे क्या है, एल है। तो इस तरीके से हमारे पास यहां पे 3 GIs मिल रहे हैं, यानी हमने यहां पे क्या किया, इसको फाइंड आउट करने का सही तरीका क्या था, फाइंड आउट करने का सही तरीका ये था कि आपने एक लिगेंड को कर दिया कॉन्स्टेंट पोजिशन पे और उसके बाद तीन को बदल दिया, इसको बदल दिया, इसको बदल दिया, इसको बदल दिया, तो आपके पास 3 GIs आ गए। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 टाइप्स डिस्कस की, टेट्राहेड्रल में जिसमें इक्विवेलेंट पोजीशंस थी, MX2L2 में हमने देखा सिस और ट्रांस है, तो इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गए, आइसोमर्स हो गए, और तीसरे में हमारे पास क्या है, MABXL, जिसमें हमारे पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास क्या टाइप्स है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपके पास काफी सारी टाइप्स आएंगी, वैसे मैंने पहले भी बताया था, MX2L4 पढ़ोगे आप, फिर आप पढ़ोगे MX2A2, फिर आप पढ़ोगे MA3X3। तो तीन टाइप्स हमें यहीं पे देखनी है, ठीक है। तो MX2L4 देख लेते हैं। MX2L4 में बहुत आसान है, जैसे मान लो M है, तो इसमें तो दो लिगेंड्स के विद रिस्पेक्ट टू आएगा, या तो पहले तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना लो, या तो क्या है, ये जो दो L है ये 180 डिग्री एंगल पे होंगे, ठीक है ना, ये जो दो एक्स है ये 180 डिग्री एंगल पे होंगे, तो इसमें आप इसको ट्रांस बोल सकते हो, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, पर ये एक्स और एक्स क्या है, 180 डिग्री पे है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास ये जो दो एक्स है ये हो 90 डिग्री पे, ये हो 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री पे और ये 180 डिग्री पे, तो आपके पास जो है वो सिस और ट्रांस दो तरीके के आइसोमर्स आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो ये आपके पास क्या हो गए, 2 GIs पॉसिबल हो गए इस वाले केस में, 2 GIs आर पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद MX2A2, मैं जब आपको फ्लो चार्ट बनवा रही थी तब मैंने ये बोला था कि ये जो A है ना ये आपके पास बाइडेंटेड है,
ये ए क्या है, बायडेंटेट है, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखिए कि जैसे ये एम है, अब ये ए और ये ए बायडेंटेट होने की वजह से कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट शो करेंगे, ओके ठीक है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट शो करेंगे, ठीक है। ये एल जो है ये आपके पास, सॉरी एल नहीं, ये है आपके पास एक्स, एक्स और एक्स, या तो आपके पास ये वाला अरेंजमेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि ये जो ए और ए है ये इस तरीके से जुड़ा हो, ठीक है, ये ऐसा हो, तो यहां पे एक्स और यहां पे एक्स, तो ये आपके पास दो तरीके के अरेंजमेंट्स आ सकते हैं। अगेन यहां पे क्या है, आपके पास दो जी आईज है, ठीक है, अगेन आपके पास क्या है, दो जी आईज है एम एक्स टू ए टू के केस में, ठीक है। तो ये वाली ये टाइप पूछी जा सकती है। देन एम ए थ्री एक्स थ्री, एम ए थ्री एक्स थ्री में क्या चीज है, यहां पे आपके पास दो टाइप्स आती है, फेशियल और मेरिडियोनल, ठीक है, जैसे ए ए और ये ए, पेन चेंज कर दे, चलो यही रखते हैं, एक्स एक्स एक्स, एक और बनाने दो फिर मैं इकट्ठा ही बताती हूँ, ए ए एंड देन ए, यहाँ पे एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ये एक फेज हो गया, ठीक है, एक फेज के तहत तीनों के तीनों लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेशियल आइसोमेरिज्म, ठीक है, फेशियल आइसोमर बोलेंगे। और इसमें आपको दिख रहा है कि एक ट्राइंगुलर फेस के ऊपर ये तीन लिगेंड्स लगे हुए हैं, वन टू थ्री, ये एक ट्राइंगुलर फेस के ऊपर लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेरिडियोनल आइसोमर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेरिडियोनल आइसोमर, इसको हम क्या बोलेंगे, फेशियल आइसोमर, और इसकी एब्रीवाइएशन होती है एफ ए सी और इसकी होती है एम ई आर, ठीक है। फेशियल में क्या है, एक आपके पास फेज, यानी ऑक्टाहेड्रन की आपको पता है छह फेजेस होते हैं, वन टू चार, बेसिकली वन टू थ्री फोर, वैसे ही वन टू थ्री फोर, यानी आठ फेजेस होते हैं, उसमें से एक फेज के ऊपर अगर ये लगा हो, ठीक है, एक फेज को कवर हो रहा हो, तो इसको हम फेशियल बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मेरिडियोनल। क्लियर दैट, समझ आ गया, तीन पढ़ लिए हमने, कौन कौन से पढ़े, आज एक बार देखते हैं। ये देखो ये हमने पढ़ा, ठीक है, इसमें तो ट्रांसिस था, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा ये बायडेंटेट के केस में, ये भी सिस ट्रांस वाला सीन ही था, ये दोनों ऑपोजिट हैं तो आप ट्रांस बोल दो, इसको सिस बोल दो, ठीक है। फिर हमने ये फेशियल और मेरिडियोनल देख लिया। अब आ जाओ आगे ऑप्टिकल आइसोमर में। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या है स्टूडेंट्स, दीज आर द आइसोमर्स विच हैव काइरल स्ट्रक्चर्स, काइरल स्ट्रक्चर्स होती है यहाँ पे, ठीक है। द पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर द मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर, जो स्टीरियो आइसोमर्स के पेयर है एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, और मे नॉट बी सुपरइम्पोज, सुपरइम्पोज नहीं करते एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, मतलब मिरर इमेजेस होती हैं ये दोनों एक दूसरे की, पर एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज नहीं करते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड्स, और इनको जो है इन मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स, इन मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। क्या होता है ये, ऐसे आइसोमर्स जिनकी काइरल स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं पर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करती, और ऐसे वाली मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स, ठीक है। देन इनेंशियोमर्स आपके पास बेसिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, मान लो क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं ना, कि मान लो आपके पास एक लाइट आई, ठीक है, सोल्यूशन में से, एक मिनट, आपने लाइट को बेसिकली सोल्यूशन में से पास ऑन करवाया ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो या तो सीधा ही पास ऑन कर गई, ठीक है, सीधा पास ऑन कर गई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन अगर वो लेफ्ट को डेविएट हो गई तो हम उसको बोलेंगे कि वो लीवर रोटेटरी है, ठीक है, और अगर वो राइट को डेविएट हो गई तो हम उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो इसी तरीके से जो इनेंशियोमर है वो आपके पास दो तरीके के हो सकते हैं, लीवो रोटेटरी हो सकते हैं अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में ओरिएंट करते हैं, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकते हैं अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में डेविएट करते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनेंशियोमर्स बेसिकली नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ही होती है, किसी भी सोल्यूशन में से आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट लगवाई, वो निकलने के बाद अगर तो वो नॉन डेविएटेड, मतलब ऐसे की ऐसे ही बाहर निकल गई, तो वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास
ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, या तो वो लेफ्ट को ओरिएंट कर दे या फिर राइट को कर दे. लेफ्ट को ओरिएंट कर रहा है तो लीवर रोटेटरी, राइट को ओरिएंट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है, अब हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने. और ये वैसे आप जब अपनी सब्जेक्टिव बुक्स देखोगे आपको मिल जाएंगे नॉर्मल, बट हम ट्रिक से करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. कारण ये है कि हमें टाइम बचाना है पेपर में. ठीक है, मैंने ट्रिक पहले लिख रखी है. वेट, हो गया. देखो, इफ एनी पेयर हैज सेम लिगेंड्स और एनी टू पेयर्स आर सेम, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. कैसे? ओ आई का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ध्यान में रखना. ट्रिक तभी मैंने आपके सामने लिख रखी है कि अगर कोई भी दो पेयर में सेम लिगेंड है, सेम लिगेंड मान लो ए ए है, सेम आ गया. ठीक है, एक पेयर है उसमें सेम सेम लिगेंड आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मानना. और अगर कोई दो पेयर है, मान लो ए ए और ए ए, अगर दो पेयर ही सेम आ गए तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ठीक है, इस चीज से हम देखेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिविटी के बारे में. देखो एम ए सिक्स है, पहले तो आप इसके वो चेक करो कि इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं. तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स इसके ये हो सकते हैं. देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स से आपको पता चलेगा कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं. ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स से पता चलेगा कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, और इस वाली ट्रिक से पता चलेगा कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं. तो ऑन अ होल आप आराम से सॉल्व कर पाओगे. तो मैं आपको कोई 6 केसेस के अराउंड बताऊंगी. ठीक है, 6 केसेस से आप ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों बता दोगे. और ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को अगर आप एड अप कर देते हो तो आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर आ जाता है. तो ए ए ए ए ए ए, अब देखो ए की अरेंजमेंट पॉसिबल है तो यानी यहाँ पे जी आई यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना है, 1 है. ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, देखो यहाँ पे एक पेयर सेम आ गया और मैंने यही बोला था इफ एनी पेयर हैज सेम लिगेंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है. ठीक है, इसलिए यानी ऑप्टिकल आइसोमर 0. तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए आपके पास, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो गए आपके पास 1. ठीक है, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स भी निकालने आ सकते हैं. मैं यहाँ पे लिगेंड्स नहीं लिख रही हूँ, H2O NH3, आप ऐसे अपने आप लगा सकते हो. ये मैं कंसेप्ट समझाने के लिए ABCD लिख के दे रही हूँ. ठीक है, चलो अब आ जाओ MA5B पे. MA5B पे क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबल केसेस पहले बनाएंगे. देखो यहाँ पे AA और AB. वैसे तो मैं बताऊं कि AA और AB के केस में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देखो कि आपके पास सेम ही अरेंजमेंट है. अच्छा, मैंने आपको ना पीछे एक चीज गलत बोल दी. मैंने बोला कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, देखो यहाँ पे आपके पास पॉसिबल अरेंजमेंट ही एक है तो वो तो कंपाउंड हुआ ना. आइसोमर कहाँ हुआ, आइसोमर के लिए मेन तो दो चाहिए. ठीक है ना, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी 0 हुआ और टोटल स्टीरियो आइसोमर 0 हुआ क्योंकि आइसोमर 2 तो होंगे. फिर ही बोलोगे, समझ रहे हो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हुआ भाई, एक ही है ये तो आइसोमर तो हुआ ही नहीं ना. चलो इसमें देखो ए ए ए ए ए बी, तो यहाँ पे भी कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे नो जी आई. और मोर ओवर आपको दिख रहा है कि सेम पेयर है तो नो ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, तो इसलिए जो स्टीरियो आइसोमर है वो भी आपके पास क्या है, 0 है. क्लियर दैट, कितना आसान है ना. तो अभी मैं बताती हूँ, कोई नहीं आगे वाली थोड़ी सी एग्जांपल्स ट्रिकी आएंगी. MA4B2, MA4B2 के केस में आप AA, ठीक है, AA और BB ले लो. ठीक है, ऐसे वाला अरेंजमेंट ले लो या ये ले लो AA AB AB. ठीक है, इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट आ रहा है कहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं ही छोड़ रही हूँ, नहीं. तो ये दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं. ठीक है, ये दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं तो आपके पास 2 GIs हो गए. और ऑप्टिकल अरेंजमेंट अगर देखते हो तो ये देखो, ये दो पेयर सेम है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव. ये भी आपके पास क्या है, ये एक पेयर सेम है और मोर ओवर ये दोनों भी सेम है. ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक पेयर में लिगेंड सेम है और ये दोनों पेयर भी आपस में सेम है तो यानी कि 0 ऑप्टिकल आइसोमर. तो आपके पास टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हुए, ये. ठीक है, आपको अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कहाँ फंसाया जा सकता है कि बताइए यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर कितने हैं, अगर ये पूछा जाता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर बताओ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर क्या बोलोगे आप, 2, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है.
ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहे थे जीरो है, स्टीरियो आइसोमर पूछ रहे तो दो है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ रहे तब भी दो है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी है। ठीक है, तीन और टाइप्स रह गई, एम ए थ्री बी टू सी पहले कर लेते हैं। ठीक है, एम ए थ्री बी टू सी में आपके पास क्या है, ए ए ए बी बी सी, ठीक है, फिर क्या हो सकता है, ए ए ए सी बी बी, ऐसे हो सकता है। अब देखो तीसरा, ए बी ए बी ए सी, तीन ही टाइप्स बन रही है, हाँ तीन ही बन रही है। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके पास कितने हो गए, तीन हो गए, और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, ये देखो ये वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि सेम आ गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये दो पेयर्स इनएक्टिव हो गए, ये दोनों के दोनों सेम आ गए, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आपके पास क्या आ गए, जीरो, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए, थ्री, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए आपके पास, थ्री, क्लियर है, क्लियर है, चलो आगे फिर एम ए थ्री बी थ्री, एम ए थ्री बी थ्री देखो फटाफट, देखो ए ए ए बी बी बी, एक ये टाइप है, ए बी ए बी ए बी, एक ये टाइप है, तो इसके अलावा आपको कोई टाइप नजर आ रही है, आ रही है कोई टाइप नजर, ए ए जो है वो आपके पास क्या है, सेम हो गया, और ये दो पेयर सेम हो गए, तो यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स तो है ही नहीं है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, तो ये तो जीरो आ गया, और ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो दो आ गया, अगेन हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए, टू आ गए, क्लियर, आसान है, ट्रिक याद रखनी है कि अगर एक पेयर में दो दो लिगेंड सेम आ रहे हैं तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर जैसे अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता अगर अकेला ए बी होता, लेकिन अब इस ए बी के साथ ये भी आ गया, तो दो पेयर जो है वो सेम हो गए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल बची है एम ए थ्री बी सी डी, तो एम ए थ्री बी सी डी में हमारे पास ए ए ए बी सी डी आ गया, ठीक है, और हमारे पास क्या हो सकता है, ए बी ए सी ए डी, ठीक है, ऐसे आ सकते हैं, और क्या हो सकता है, ए बी हो गया है, ए सी हो गया है, ए डी भी हो गया है, और कोई टाइप हो रही है, ए ए ए डी बी सी, और ए ए ए डी बी सी हो गया, ए बी ए सी ए डी हो गया, ए ए ए बी सी डी हो गया, ए ए, ठीक है, ए ए बी डी वाला भी हो जाएगा, हाँ ए ए ए सी और बी जी, देखो ये आपके पास चार कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये आपके पास चार कॉम्बिनेशन क्या, ए ए ए बी सी डी, ए बी ए सी ए डी, ए ए ए डी बी सी, ए ए ए सी बी जी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हमारे पास चार बन रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो यहाँ पे इसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो क्योंकि इसमें कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये इसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, ये इसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, तो ऑप्टिकल एक्टिव जो आइसोमर है वो आपके कितने हैं, वन, ठीक है, ये ना आप इसको इनएक्टिव लिखो ताकि आपको समझ आए, ठीक है, इनएक्टिव इनएक्टिव इनएक्टिव, और ये आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर हो गए, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए आपके पास, फाइव। ध्यान से देख लो ये वाली जो एग्जांपल है, मैं ये दोबारा करवा देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा हुआ था, एम ए थ्री बी सी डी, देखो यहाँ पे ए ए ए बी सी डी, ऐसे हो सकता है, ए ए सेम रखो, एक बार ए सी कर दो और एक बार ए डी कर दो, अब क्या है, ए के साथ बी लगा दो, ए के साथ सी लगा दो, ए के साथ डी लगा दो, ऐसे कर लो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सी ए भी इकट्ठा हो गया, सी डी भी इकट्ठा हो गया, ठीक है, अब आप ए डी ले लो, बी सी ले लो, और जो है ए बी ले लो, ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो आपके पास चार आइसोमर्स हो गए, यहां पे आपके पास जो है ए ए होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया,
ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ये आपके पास क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। और एडी वाला चेक कर लो कि कहीं और है, एडी बीसी एबी, ये एडी बीसी एबी, चलो ये वाला तो बन ही नहीं रहा, ये वाला बन ही नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं ए ए वाले हमारे पास दो हो गए हैं, ए बी ए सी ए डी हो गया है, ए ए ए डी और ए बी, ये ले लो, ठीक है, एक मिनट, ए ए ए बी ए सी ए डी, अब हमारे पास आ रहा है ए बी ए सी ए डी, देन हमारे पास आ रहा है ए ए डी बी सी, ए ए ए डी और बी सी, हाँ तो इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपके पास तीन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए और एक आपके पास क्या है ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तो मतलब ये बच्चों कि जी आई जो है वो हमारे पास कितने हैं, चार हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर हमारे पास एक है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर हमारे पास कितने हो जाएंगे, पांच। तो इस तरीके से हमने आइसोमेरिज्म टॉपिक देखा। मैं आपको एक बार क्विक रीकैप दे देती हूं कि क्या क्या हमने किया, एक मिनट, देखो हमने सबसे पहले आइसोमर के बारे में जाना, सेम यूनिट होती है, फिर हमने देखा ये दो टाइप्स होती हैं, फिर हमने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या मतलब क्या, उनकी अलग अलग टाइप्स की, आयोनाइजेशन, सोलवेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, देन हमने किया स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल में भी फर्दर दो टाइप्स हैं, उनकी टाइप्स को हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया एंड उनको अकेला अकेला समझा। फिर ऑप्टिकल में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में छह केसेस डिस्कस किए, जिसमें लास्ट वाला जो केस था वो थोड़ा सा ध्यान से करने वाला था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।